अभी यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है, इसने अगे करते करते मुखे मार देना हमको, तक दरबार आ ही नहीं रहा, भाग के पहुंचना पड़ेगा। अरे भाई कभी मत आना यार, तुम लोग सीढ़ियों में बड़ा बुरा लगता है भाई। हम आ गए जहाँ पे नहाते वगैरह, समझ नहीं लग रहा हम नीचे जा क्यों रहे हैं यार, मैंने तो नहाना नहीं है भगना ये, और कटरा कुटरा तो छोड़ दो भाई, बहुत ऊपर आ गए हम, चोट लग गई हाथ पे। आज हम यहाँ पे जा रहे हैं वैष्णो देवी, फिलहाल ट्रेन में शोर बहुत होगा, शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी। हमारे साथ है सुमित भाई, सुना नाम और साथ में पंकज भाई हमारे। सो गाइस फाइनली हम वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। बोलो साचे दरबार की। गाइस फाइनली कटरा के स्टेशन पे पहुंच गए हैं, शोर बहुत है यहाँ पे, टाइम आप देख सकते हो 7:40 पे पहुंचे हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए हैं कटरा के रेलवे स्टेशन में, थक गए हैं भाई बहुत ज्यादा, मेरी आवाज तक बैठ गई भाई, चीखे मार मार के, हमने देखा ही होगा, मजा आ गया भाई यहाँ पे। अभी मैं इसको बिस्किट खिलाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा। विक्स की गोली करो आप, हमारे सुमित भाई विक्स की गोलियां भी लाए हैं, हाजमोला भी लाए हैं, कभी मन खट्टा हो जाए तो हाजमोला खा लो, खट्टा होता ही क्यों है। गाइस अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड में भागते भागते। सो गाइस अभी हम बस स्टैंड जा रहे हैं, जो पास वगैरह होते हैं एंट्री के लिए, माता के लिए जो बनते हैं वो वहीं से मिलते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड ले लिया है, और व्यू चेक कर सकते हो भाई आप माता के दरबार का, भाई कितनी अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, पहले चेकिंग के लिए अंदर पास वगैरह जो बनाए हैं वो चेक होते हैं। चेकिंग के लिए भी बहुत बड़ी लाइन है, आप देख सकते हो आगे बहुत ही बड़ी लाइन है, और ये लाइन घूम के नीचे जाती है भाई, नीचे है चेकिंग वाला। अब एंट्री करवा के हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, अभी यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे चलने का रास्ता कम है, घोड़े भरे हुए हैं यहाँ पे, घोड़े चले जा रहे हैं भाई, इनका अलग रास्ता बनाना चाहिए यार थोड़ा। तो अब हमने सीढ़ियों वाला रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि सीढ़ियों वाले रास्ते में ना घोड़े वगैरह होते नहीं है, तो बंदा जल्दी जल्दी पहुंच जाता है, ज्यादा भीड़ भड़का भी नहीं होता। चलो लेट्स गो। सीढ़ियों में तो लाइट ही नहीं है यार, देखो कितना अंधेरा है। हमने अभी कितनी पूड़ियाँ चढ़ ली हैं? 450 और मेरी तो बस हो गया, खाना खाने का मन कर रहा है, खाना मिल जाए बस। सुमित आगे चल गया पता नहीं कहाँ ऊपर चले, पंजाब चढ़ने। अभी हमारा टारगेट है 50 सीढ़ियाँ चढ़ना, 50 चढ़ के फिर रुकेंगे। चलो भाई 500 पूड़ियाँ चढ़ ली हमने, सुमित भाई भी हमारे मिल गए आगे बैठे थे, 500 पूड़ियाँ चढ़ ली भाई, बस हो गया, अब थोड़ी देर वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं, खा लें कुछ करवानी पड़ेगी 30 रुपए में 15 मिनट की मसाज। देखो कितनी ऊपर आ गए हम लोग, वो देखो कितनी बची अभी, बहुत ऊपर है भाई अभी। चलो सीढ़ियों की बड़ी तारीफ कर दी, पर नॉर्मल रास्ते ठीक है भाई, सीढ़ियों में तो लेग डे हो जाता है भाई, एक हिसाब का लेग से दर्द करने लग जाती है पूरी, ये रास्ता ठीक है भाई हमको तो। ऊपर आए हैं, इधर एक भोजनालय खाने खाने वाला, टिकट वगैरह लेनी पड़ेगी, तो चलो चलते हैं अंदर। टिकट तो ले लिया, भैया को देंगे और भैया सर्व कर देंगे हमको। सो गाइस खाना खा लिया, टेस्टी बड़े राजमा चावल, कड़ी अच्छी है, कड़ी भी टेस्टी है,
बहुत टेस्टी है गाइस। ओ भरा मेरे राजमा चावल खाए जा रहे हैं यार। यहाँ पे दो रास्ते आए हैं, एक है हिमकोटी, वो थोड़ा कम है इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। हाथी मत्थे पे भाई कहते सीधी सीधी सड़कें होती हैं भाई। यहाँ पे कॉफी डे करके एक कैफे है, कॉफी पीते हैं, यहाँ से थक गए बहुत। यही भाई यही बस, अभी इससे थोड़ी सी ताजगी महसूस हो सकती है, थकावट दूर हो सकती है, जल्दी से पी लेते हैं। इस ऑलमोस्ट हम माता के दरबार में पहुँच गए हैं और नीचे आप व्यू देख सकते हो, कटरा है सारा भाई, बहुत ऊपर आ गए यार। अभी थोड़ी देर बैठे हैं रेस्ट करने के लिए। ख़त्म होगी रेस्ट, सिम बंद हो गई यार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सिम बंद हो जाएगी तो हम रील्स वगैरह कैसे देखेंगे भाई। अभी ना यहाँ से वो सामने टनल दिख रही है, वो सारी क्रॉस करके जाना है और अभी काफ़ी दूर है। ये गाड़ियाँ होती हैं ये सीधा वैष्णो माता के भवन में लेके जाती हैं। तक दरबार आ ही नहीं रहा, भाग के पहुँचना पड़ेगा। तक यहाँ पे माता का भवन सिर्फ 2.5 किलोमीटर के आसपास रह गया और भाई पहुंच गए, अब तो भाग के पहुंच जाएंगे। चलो पंकज भाई भाग लो, चलो आज आज बैठिया मेरे। जय माता दी, जय माता दी। कितने गया भाई को चॉकलेट देखने को मिल गई है, मिल गई चॉकलेट है और कोई आगे चीज देखा। पसीने से बुरा हाल हो गया, थक गए थे, अभी चॉकलेट लिया एक डार्क चॉकलेट से थोड़ी एनर्जी आती है, मैंने सुना है। क्रीम खा रहे हैं, अच्छी है पंकज, मैंने भी खानी है। माता दी, जय माता दी, बस माता दी। अभी शक्ति थोड़ी कम हो रही थी, चॉकलेट खा लेते हैं, शक्ति आ जाएगी। पंकज इसमें कुछ मिला आगे तो नहीं लाया, अभी शक्ति आएगी गाइस, ये हमारी शक्ति का राज। फाइनली फाइनली गाइस यहाँ पे माता जी का दरबार हमको विजिबल हो गया है। सो गाइस फाइनली दरबार में पहुँच गए हैं, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस दरबार में पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा चलना है फिर दरबार आ जाएगा। और भीड़ देख सकते हो आप कितनी सारी यहाँ पे, देखो लोग सो भी रहे हैं यहाँ पे, रेस्ट करते हैं जो दूर से आए होते हैं। माता का भवन थोड़ा नीचे की साइड है, नीचे को उतरना है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, नीचे उतरना बड़ा आसान है यार। वापसी टाइम देखोगे ना आप सुबह, जब हम दर्शन वगैरह करके वापस जाएंगे, देखना भाई कैसे भागते भागते जा रहे होंगे हम, क्योंकि नीचे को जाना है यार, भाग भाग के चलो, इतनी टेंशन नहीं है, बस ये है सही टाइम पे पैर रुक जाए, नहीं तो कहीं आगे कहाँ गिर गए दिक्कत हो जाएगी। हम आ गए जहाँ पे नहाते वगैरह, समझ नहीं लग रहा हम नीचे जा रहे हैं यार, मैंने तो नहाना नहीं है, ये लोग ही जा रहे हैं। पंकज नहाना है क्या? और प्रसाद वगैरह लेना है जो चढ़ाएंगे वहाँ पे, तो वो ले लेते हैं जाके। अभी मेरे ख्याल से दर्शन के बाद ही आपसे मिलेंगे, तब तक लोकल रूम में बैग रख देते हैं और दर्शन कर लेते हैं। अभी ना हम लोकल रूम से आ गए हैं, सामान वगैरह हमने ले लिया, अभी हम जाएंगे। पंकज क्या नाम था? भैरवघाटी। अब भैरवघाटी जाना है भाई, इनको बताओ अगर हम माता पे आए हैं तो हमको भैरवघाटी जाना भी जरूरी होता है, अगर हम वहाँ नहीं जाते तो क्या होता है? यात्रा सफल होती है, और जो इतनी मेहनत हमने करके यहाँ पे आए दर्शन किए हैं, हमने जो जो विषय मांगी है कुछ पूरी नहीं होती है। इजी है भैरवघाटी का रास्ता, देख सकते हो कैसे सीधा भाई ऊपर ऊपर को है, बहुत मुश्किल रास्ता होता है जो उसको पार करके दर्शन करता है भैरव भैरनाथ के, उसको गई यहाँ पे पूरी यात्रा का फल मिलता है। सुमित भाई थक तो नहीं गए? कोच साहब, ये हमारे कोच साहब हैं, ये हमेशा आगे चलते हैं। ऊपर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही है, मतलब शायद हम पहुंच गए बसों की भाई। ये पता है पूरी वैष्णो देवी की जितनी सीढ़ियां थी, जितना रास्ता था, उससे ज़्यादा मुश्किल है भाई ये भैरवघाटी। माता ने बड़ी मतलब ओखी सी कंडीशन रख दी हमारे लिए, कि अगर यहाँ नहीं आओगे तो यात्रा सफर नहीं होगी। चलो यार आते ही जो एक चीज़ सबसे अच्छी मेरे को लगी है यहाँ पे, वह कहीं यहाँ पे लंगर कुछ खाएंगे अभी, पर पहले करेंगे दर्शन। सही यहाँ पे ना एक छत सी बनी है, छत ही कह सकते हैं इसको, सारे बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा चिल कर रहे हैं, चिल इन द सेंस की रेस्ट कर रहे हैं। और वो हमारे पंकज भाई भी बैठ गए हैं, चलते हैं उनके पास। अब देख सकते हो वो जो नीचे दिख रहा है ना हमको, जैसे हमको जब हम चढ़ाई कर रहे थे नीचे कटरा दिख रहा था, अब हमको ये जो दिख रहा है ना ये वैष्णो देवी जी का भवन है, मतलब माता का भवन है ये। और कटरा कुटरा तो छोड़ दो भाई, बहुत ऊपर आ गए हम। अब हम भैरवघाटी के दर्शन कर आए हैं और यात्रा कंप्लीट हो गई है, फल हमको मिलना चाहिए अभी तो, है ना पंकज, फल मिलना चाहिए। तो चलो अभी हम वापस जाएंगे, खाना खाते हैं, पहले तो खाना खाइए यार, है ना। यात्रा पहले चॉकलेट दे यार तुम,
जय श्री राम। नहीं जय माता दी, जय जय माता, सारे भगवान की जय। चलो भाई और चॉकलेट दे यार, तेन मैं कहना नहीं देनी हो। क्यों नहीं देनी भरा? भाई मेरे को भी अच्छी लगती है, मेरे को भी 2000 चॉकलेट मेरे को मिली है यार। हां आओ फोटो खींचने, आओ फोटो खींचने, आ जाओ खींचो। अभी मैंने पंकज की अच्छी अच्छी फोटोज खींच दी है और इसके बदले उसने मेरे को चॉकलेट दे दिया। पहले दे दिया था, मैंने दे दिया गाइस, मेरे को दी थी, मैंने खींच ली। मैं हूं ड्यूटी करती हूं। ओदी कने दे यार, क्या करता है यार, इतनी बड़ी तुमने चॉकलेट पकड़ी हुई है यार। चलो गाइस चॉकलेट खाते हैं और अभी खाना भी खाना है यार, भूख लगी है बहुत। चलो चलते हैं गाइस। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं नीचे वापस और अभी कटरा में हमारी जो ट्रेन है वो 10 बजे की। अभी बजे 4:03 बजे शायद, है ना? 2:43 अभी तो भाई, 3 भी नहीं बजे, 10 मिनट बढ़े हैं 3 बजने को। तो थोड़ा सा आराम आराम से जाएंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे। ये ऊपर आध कुआरी था, यहाँ हम गए नहीं, स्किप कर दिया क्योंकि हम शॉर्टकट से गए थे। फिलहाल हम नीचे जा रहे हैं और भाई भागते भागते नीचे जा रहे हैं यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। सीढ़ियाँ आ गई, बस सीढ़ियों से जाएंगे क्योंकि नीचे जाते टाइम तो भाई शॉर्टकट होता है यार, सीढ़ियों से आराम से। और व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, चेक करो व्यू यार, सुबह के 4 बजे का व्यू भाई, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यार देखो। बस वो हमको वो सबसे नीचे जाना है बस, और वो रेलवे स्टेशन है वो वाला, वो देखो सीधी सीधी लाइन दिख रही है ना, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जाना है हमको। चलो भाई जल्दी चलते हैं। और भाई ये लोग तो चले भी गए, कहाँ गए ये? चलो भाई जल्दी चलते हैं। पे चोट लग गई यार, ये ग्रिल पकड़ रहा था, भाग रहा था नीचे और अटक गया यार हाथ कहीं पे, पता नहीं, समझ नहीं आया, बड़ी जोर से लगी है, खून निकल रहा है, अभी टाइट बांधी है कि लगे बाहर ना आए खून। चलते हैं अभी डिस्पेंसरी, देखते हैं क्या बनता है। इस नीचे आ गए हैं और यात्रा हमारी यहाँ पे 5:30 बजे कम्प्लीट हो गई है। हाथ पे ऑलरेडी चोट लग चुकी है, आपको भी मैंने ओपन करके वैसे दिखाई नहीं है। जाऊँगा डॉक्टर के पास अभी, फिर वहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी ओपन करूँगा ना तो ब्लड वगैरह पहले बहुत निकल रहा था, फिर वो हवा वगैरह लगेगी तो ब्लड वगैरह फिर से आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाता हूँ यार क्या हुआ है। प्लीज़ अभी यहाँ पे ना कार्ड सबमिट कराना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वैसे भी मैंने डाला तो है। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं और चढ़ाई वगैरह सारी कम्प्लीट हो गई है, पीछे आप देख सकते हो जहाँ से हमने एंट्री करी थी वही है पीछे बैकग्राउंड। और फिलहाल जल्दी से कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। सो गाइस यहाँ पे रास्ते से बाहर आ गए हम, पवन के रास्ते से, अब फिलहाल कटरा जा रहे हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी भाई, बहुत ज़्यादा। चलो खाते हैं कुछ। गाइस हम यहाँ पे आ गए शर्मा माँ भोजनालय पे और देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। पंकज क्या पूछने, ये रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आ गई है, रेलवे स्टेशन का रास्ता किस साइड है? इस साइड है, थोड़ा सा बचा रेलवे स्टेशन, 100-200 मीटर ही है। आई परौंठे, परौंठे आ गए हैं और ये पंकुश आपको गाइस परौंठे खिला रहा है, अब मेको खिला रहा है गाइस, मेरे हाथ पे लग गई है ना, पंकुश मेको खिला रहा है इसलिए। फाइनली गाइस हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन में आ गए हैं, बादल देख सकते हो गाइस कैसे काले काले बादल हैं, बारिश होने वाली है तगड़ी। और जल्दी से टिकट लेते हैं, ट्रेन लगी होगी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे ही, जल्दी से बैठ जाएंगे। वैसे तो आधे घंटे बाद चलेगी ट्रेन पर, अभी बैठ जाएंगे क्योंकि लेट के जाना भाई, थक गए बहुत। अभी ट्रेन में बैठ गए हैं, अभी वापस जा रहे हैं, थक गए बहुत, आंखों से दिख रहा होगा। बस ही बढ़िया यार। चलो तो अभी हम व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। गाइस बाय बाय, इसको ठीक कराऊंगा कहीं जाके, बाय।